पढ़ा था आपने, तो आज शुरू करेंगे। नमस्ते कौशल, गुड इवनिंग प्रभु, गुड इवनिंग। कि कल तक हमने वर्ड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन वगैरह ऐसी सभी रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कर लिया था। गुड इवनिंग छवि, आपको हर रिएक्शन को थोड़ी गहराई के साथ समझना होगा। देखो, एक बात ध्यान रखो, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास CH3 CH2 Cl है और इस पे मैं टिन HCl की रिएक्शन करवाता हूं, और एक बार मैं ये कहता हूं कि मेरे पास यही सेम रिएक्टेंट है और मैं इस पे सोडियम इन ड्राई ईथर की रिएक्शन करवाता हूं, तो जरा मुझे बताएं, इन दोनों रिएक्शन में जो एल्केन बनेगा, क्या वो सेम होगा या डिफरेंट काइंड का होगा? क्योंकि हर चीज को देखने का, समझने का नजरिया कई बार बच्चों का अलग-अलग हो जाता है। ठीक है, मधुर ने बता दिया कि यहां पर अगर दोनों रिएक्शन हम करवाते हैं तो हमारे पास एल्केन बनेगा। अब इस बात को याद रखना कि क्या एल्केन में कार्बन का नंबर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। तेजस, पहले में इथेन और दूसरे में ब्यूटेन, वो सही जवाब रहेगा। और कौशल, आप भी ध्यान रखो, इथेन एंड ब्यूटेन। प्रांजल ने ठीक जवाब दिया, भावना का भी सही है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, ओके प्रभु, करेक्ट, भूवी करेक्ट। आप मेरे इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना बच्चों, कि मैं कन्वर्जन्स के दौरान आपसे गलती ना हो, इसके लिए मैं आपसे जो बात कह रहा हूं कि हर रिएक्शन में ये भी ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, कम हो जाएंगे, डिफरेंट रहेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो उसे असेंडिंग टाइप ऑफ रिएक्शन कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन घटते हैं तो उसे डिसेंडिंग टाइप ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो यहां दोनों रिएक्शन, यही नहीं, इसके अलावा भी जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे तो इस बात को अपने दिमाग में गौर से आपने रखना है। जैसे पहले केस में ये हेलोजन पे अटैक करता है, दो हाइड्रोजन आएंगे, HCl बाहर जाएगा और इथेन बनेगा। रिएक्टेंट में भी दो कार्बन है, प्रोडक्ट में भी दो कार्बन है, यानी नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं। सोडियम इन ड्राई ईथर वर्ड्स रिएक्शन कल बताया था और स्पेशली कहा था कि दो NaCl बाहर निकलने हैं, तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि दो मॉलिक्यूल लेंगे, दो सोडियम लेंगे, NaCl बाहर, जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहां से बॉन्ड बनते हैं, और इस तरीके से ये हमारे पास ब्यूटेन, यानी कंपाउंड में डबल द नंबर ऑफ कार्बन। आपने इस पॉइंट को याद रखना है, कंपाउंड में डबल द नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, कन्वर्ट फॉलोइंग्स, क्योंकि एग्जाम में कन्वर्जन भी आना चाहिए, सीक्वेंस वाली रिएक्शन भी आनी चाहिए। सपोज मैं कहता हूं कि भाई आपके पास क्लोरोप्रोपेन है और क्लोरोप्रोपेन से आपने प्रोपेन बनाना है, और दूसरा केस आपके पास क्लोरोप्रोपेन है और क्लोरोप्रोपेन से आपको हेक्सेन बनाना है। अब इन दोनों ही रिएक्शन में जरा दिमाग लगाओ कि कौन सा रिएजेंट जो मैंने ऊपर बताया वो इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सोच में रहना चाहिए कि अगर अल्काइल हैलाइड से एल्केन बन रहा है तो ये ऊपर के दो रिएजेंट या और भी जो मैंने आपको बताए थे, ये दो मैंने स्पॉटलाइट कर दिए कि भाई इन दो का चलो इस्तेमाल करते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, वर्ड रूट सेम है, तो कार्बन सेम है। पहले में हम देख रहे हैं क्लोरोप्रॉप और प्रोडक्ट भी प्रॉप है। प्रांजल जवाब ठीक है आपका, मधुर का भी जवाब बिल्कुल ठीक है, छवि का भी सही है, कौशल का भी। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम, यानी वर्ड रूट सेम है, तो कार्बन सेम है, और अगर सेम कार्बन का कंपाउंड है तो टिन HCl का इस्तेमाल करेंगे। रिएक्शन बकायदा लिख के दिखानी होगी, ऑर्गेनिक ना,
बिल्कुल पहेली की तरह, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों की तरह होती है। पहले आप रिएक्शन याद करते हैं और फिर उसको अप्लाई करना सीखते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा उसकी कंडीशन होती है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर टिन एच सी एल, ये वहां अप्लाई होगा जहां नंबर ऑफ कार्बन सेम रखने हैं। तो ये हमने देख लिया, हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन सेम, तो क्लोरो प्रोपेन से प्रोपेन। अब दूसरे वाले में देखो क्या बनाना है, हेक्सेन। अब रिएक्टेंट में है प्रॉप, प्रॉप का मतलब तीन कार्बन। प्रोडक्ट में है हेक्स, हेक्स का मतलब सिक्स कार्बन, यानी डबल द नंबर ऑफ कार्बन हो गया ना, हो गया ना। और डबल द नंबर ऑफ कार्बन में वर्ड्स रिएक्शन। सभी बच्चों ने जवाब ठीक दिया है, छवि, कौशल, प्रभु, सभी ने। तो बस इस बात को अपने जहन में बिठा लो कि भाई मुझे कार्बन बढ़ाना है तो क्या करना है, कार्बन घटाना है। स्कूल लेवल की ऑर्गेनिक आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इस तरह से। लेकिन हर रिएक्शन को लिख लिख के जवाब दोगे, हर रिएक्शन को लिख लिख के अगर आप करते हैं, तो किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। बिल्कुल आप फ्रैंकलिन रिएजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो ध्यान रखो बच्चों, हर एक ऑर्गेनिक कन्वर्जन कई तरह से, कई रिएजेंट से हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि मैंने यहां अगर वर्ड्स रिएक्शन कहा है तो वो वर्ड्स से ही होगा, वो फ्रैंकलिन से भी हो सकता है, वो और कोई अल्टरनेट मेथड से भी हो सकता है। यहां मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जब भी रिएक्शन को पढ़ो, बारीकी से उसको समझो, उसके बारे में समझो, कार्बन सेम है, कार्बन बढ़ रहा है, कौन सा ग्रुप हट रहा है, कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है। अगर एक बार आपने इस बात को ऐसे पढ़ लिया ना, फिर कैसे भी प्रॉब्लम आ जाए, सभी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व होती जाएंगी। अच्छा, अगली रिएक्शन, मैं दोबारा से आगे बढ़ने से पहले वर्ड्स रिएक्शन को एक बार रिकैप करा दूं। वर्ड्स रिएक्शन में हमने क्या लिया था, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल वर्ड्स रिएक्शन में आपको हमने बताए थे, NaX NaX बाहर जाता था और इस तरह से आपके पास एल्केन बनता था, तो अल्काइल हैलाइड से एल्केन। अब बिल्कुल ऐसी ही एक और रिएक्शन, आज मैंने लिंक भी भेजा था आपके पास, अगर आपने उस वीडियो क्लास को देख लिया होगा तो ऑब्वियस है, तुरंत समझ जाओगे, फिटिग रिएक्शन। अब वर्ड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस रिएक्टेंट का फर्क आ जाता है, रिएक्टेंट का फर्क आ जाता है। जैसे अगर आप एरोमेटिक हैलाइड ले रहे हो, बेंजीन पे हैलोजन होना उसे एरोमेटिक हैलाइड कहा जाता है, या अरायल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरायल हैलाइड बोलते हैं या एरोमेटिक हैलाइड। तो अगर आप इसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को, यानी सोडियम एन ड्राई ईथर अराइल हैलाइड के साथ करते हैं, तो रिएक्शन तो सेम है, दो NaCl बाहर जाएंगे और जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहीं पर बॉन्ड बनेंगे। एक बेंजीन के इस तरफ से बॉन्ड टूटा और दूसरे बेंजीन के इस तरफ से बॉन्ड टूटा, दोनों को अटैच कर दिया आपने, और इस कंपाउंड का नाम है बाईफिनाइल, इसे बाईफिनाइल कहा जाता है। अब अपने स्कूल एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन टू बाईफिनाइल, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सॉल्व हो ही गया है। अभी ऊपर आपने देखा क्लोरोबेंजीन से बाईफिनाइल यहां पर बनाया गया, तो ये सॉल्व हो गया, ये हमने किया। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, वर्ड्स रिएक्शन की लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स रिएक्शन क्या लिमिटेशन थी, जल्दी से मुझे बताओ इसके बारे में। वर्ड्स रिएक्शन की लिमिटेशन याद आएगी आपको, आज का मैंने जो लेक्चर भेजा था इसीलिए मैंने कहा था कि आपको याद रखना है। मधुर ठीक है, आपने जो बताया ये तो एक लिमिटेशन है, बट ये मेन लिमिटेशन नहीं है। एग्जाम में अगर सिर्फ यही लिख के आओगे ना, तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे मनस्वी, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे अगर सिर्फ यही लिख के आओगे। जो मेन लिमिटेशन, और वो मेन लिमिटेशन क्या थी,
कि वर्स रिएक्शन में, हाँ छवि ने, प्रांजल ने ठीक बताया कि इसकी मेन लिमिटेशन ये थी कि हम सेम सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी क्लोरोमीथेन ले रहे हैं तो क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन ले रहे हैं तो ब्रोमोमीथेन, सेम मॉलिक्यूल। अगर हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो मिक्सचर बनता है और मिक्सचर को सेपरेट करना मुश्किल। प्रभु मनस्वी भूवि, सभी का जवाब ठीक है। अब देखो ध्यान रखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है कि भाई लिमिटेशन बताओ, तो सबसे मेन लिमिटेशन है वी कैन नॉट टेक डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कीन, और उसका एग्जाम्पल बताना होगा। और फिर नंबर टू पे है कि हम मीथेन नहीं बना सकते, नंबर थ्री पे है कि ऑड नंबर वाले हाइड्रोकार्बन के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है। हार्दिक ये बात सही है, अब बस ये ध्यान रखो कि प्रायोरिटी पे आपका जवाब क्या होना चाहिए। मीथेन वाला जवाब बच्चों ने प्रायोरिटी पे दिया, वो प्रायोरिटी वाला आंसर नहीं है। पहला आंसर तो है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं होने चाहिए। तो फिटिंग रिएक्शन में भी दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं। अगली रिएक्शन आती है जिसे वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन कहा जाता है, वर्ड्स फिटिंग। अब आप समझ सकते हो कि भाई वर्ड्स रिएक्शन में क्या था, अल्काइल हैलाइड, फिटिंग रिएक्शन में क्या था, अराइल हैलाइड। तो अगर सपोज मैं एक अल्काइल हैलाइड लेता हूं और एक मैं अराइल हैलाइड लेता हूं, क्लोरोमीथेन और क्लोरोबेंजीन, एक अल्काइल हैलाइड एक अराइल हैलाइड, दो सोडियम, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर NaCl गया, NaCl गया, जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहीं पर बनते हैं, ये CH3 बेंजीन से जाके कनेक्ट हो जाएगा, और इस कंपाउंड को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मर्जी है आपकी, टॉलीन के नाम से पहचानते हैं। सही आंसर प्रभु, टॉलीन के नाम से इसको पहचाना जाता है। ये है हमारी वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। अब मेरा सवाल आपसे है, देखते हैं कौन सा बच्चा बात को पकड़ पाता है, कि वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन को हम प्रेफर नहीं करते, इट इज नॉट अ प्रेफरेबल रिएक्शन, ये प्रेफरेबल रिएक्शन नहीं है। बताओ क्यों नहीं है हार्दिक? इसमें वर्ड्स फिटिंग ऐसे ही इकट्ठा लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं है, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन अलग से आपको एक साथ ही लिखना है। अब ये प्रेफरेबल नहीं है, क्यों नहीं है, मेरे क्वेश्चन ये है। मधुर का जवाब बिल्कुल ठीक है, दिस रिएक्शन इज नॉट प्रेफरेबल। मनस्वी का जवाब भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और भूवि का भी आंसर ठीक है, बट वही बताना होगा ना कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इस रिएक्शन में, और क्या बच्चा बात को पकड़ पाएगा? देखो क्या है, वर्ड्स फिटिंग में ना दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, वही बात लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स रिएक्शन में यही तो कहा गया था कि अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेंगे तो मिक्सचर बनता है और उस मिक्सचर को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं। वर्ड्स फिटिंग में भी हम दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास मिक्सचर बन सकता है और उस मिक्सचर को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा, और इसीलिए हम इस रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते। हार्दिक का जवाब भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से अब इस बात को समझ लेना, वर्ड्स, वर्ड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन, इसमें से जो प्रेफरेबल नहीं है वो है आपकी वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अब हम एल्केन बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एल्केन बनाना सीखेंगे, और उस प्रोसेस को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन, और इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपने CO2 बाहर निकाल दिया, इसे हम डीकार्बोक्सिलेशन के नाम से पहचानेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन इसे कहा जाएगा। पहले तो ये ध्यान रख लो, एक नंबर में ये डेफिनेशन भी आती है कि डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या है, तो डेफिनेशन सामने है, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम डीकार्बोक्सिलेशन के नाम से पहचानते हैं। अब ये डीकार्बोक्सिलेशन दो तरह से होती है, पहला है
with the help of twice NaOH and CaO. अपने रिएजेंट वाली शीट पे ये रिएजेंट लिख लेना, twice NaOH CaO. इसकी हेल्प से डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा समझना मेरे साथ साथ. मैं सीधा ही एक एग्जांपल ले रहा हूं. ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड. इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे सबसे पहले NaOH का अटैक होगा. अब एक एसिड है, एक बेस है, 10th क्लास में पढ़ा है. एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है, वाटर बाहर निकलता है, सॉल्ट बनता है. यानी यहां से H, यहां से OH. HOH बाहर जाएगा और ये सोडियम यहां पर आएगा और इस तरीके से CH3COONa, इसे हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम एसिटेट भी कह सकते हैं या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप इसे बोल सकते हो. तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहले एक NaOH रिएक्ट करता है और NaOH की रिएक्शन से ये बनता है. अगले स्टेप में NaOH एंड CaO. CaO कैल्शियम ऑक्साइड. अब CaO का काम क्या होता है? देखो, इस रिएक्शन के पिछले स्टेप में वाटर बाहर निकला. अगर वाटर को यहां से रिमूव नहीं किया तो ये सोडियम सॉल्ट से रिएक्ट कर जाता है. हमें इस रिएक्शन में वाटर को बाहर निकालना है और वाटर को बाहर निकालने का काम करता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड. ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, रिमूव्स मॉइस्चर. बिल्कुल ठीक रीवा. तो कैल्शियम ऑक्साइड यहां से वाटर को बाहर निकालेगा. अब ये NaOH इस तरह से रिएक्ट करेगा. इस स्प्लिटिंग को याद रखना, दो सोडियम एक कार्बन तीन ऑक्सीजन, यानी Na2CO3 बाहर जाएगा, हाइड्रोजन यहां आएगा और इस तरह से मीथेन बनेगा, इस तरह से मीथेन बनेगा. तो अगर मैं इस रिएक्शन को डायरेक्टली आपको बताऊं, देखो ध्यान से, 11th में आप पहले मेथड से करोगे जो मैंने फर्स्ट लाइन में बताया है उस तरह से, कि इस रिएक्शन में एक्चुअल में क्या हुआ. Twice NaOH CaO का इस्तेमाल हुआ, आपको मीथेन मिला, वाटर मिला और साथ में Na2CO3. देखो, वाटर तो यहां मिल गया था, वो मैंने यहां लिख दिया. Na2CO3 यहां मिला था, वो मैंने यहां लिख दिया. अब रिएक्टेंट में देखो, इसका नाम है ethanoic acid, यानी वर्ड रूट ईथ है. प्रोडक्ट का नाम है मीथेन, यानी वर्ड रूट मीथ है. तो जो बात आज मैं लेक्चर की शुरुआत में कह रहा था कि भाई इस बात को साथ साथ याद रखोगे कि कार्बन का नंबर सेम रहता है, कम होता है, बढ़ता है. इस रिएक्शन के दौरान कार्बन का नंबर 1 यूनिट डिक्रीज होता है, कार्बन का नंबर 1 यूनिट डिक्रीज होता है इस प्रोसेस के दौरान. इस बात को समझना कि कार्बन का नंबर 1 यूनिट डिक्रीज होता है, ये अच्छे से याद रखना. और देखो, अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फर्क बताऊं, तो यहां से अगर आप CO2 बाहर निकाल दो तो आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है. यानी अगर डायरेक्ट देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 बाहर निकला है एंड रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन. इसे डीकार्बोक्सिलेशन के नाम से पहचाना जाएगा. तो इस तरह से अब मैं यहां पर इस बात को अच्छे से समझ जाऊं कि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है. लेकिन 11th लेवल पे आप रिएक्शन को जनरली दो स्टेप में ही करते हो. डायरेक्ट अगर एग्जाम में दे दें कि ट्वाइस NaOH CaO, आप ऐसे डायरेक्ट जवाब भी दे सकते हो. आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे याद करना. अगर आप दो स्टेप में कंफर्टेबल हो तो वैसे याद करना, और अगर डायरेक्ट जैसे मैंने बताया इसमें कंफर्टेबल हो तो आप इस तरह से याद करना. लेकिन ये रिएक्शन 11th में भी आएगी और 12th में भी आएगी, दोनों ही क्लासेस में आपसे पूछी जाएगी. अब बच्चों, अब जरा मुझे आप इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बता दें कि यहां इस रिएक्शन में
क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, मुझे व्हाट्सएप पे बताना होगा आपको। देखो ध्यान से, और ये है ट्वाइस NUH CAO। यहां मेन प्रोडक्ट आपने बताना है कि यहां पर क्या मिलेगा, वो मुझे आप यहां बताओगे। चलो ये दो ही प्रोडक्ट बता दो मुझे, चलो दो ही प्रोडक्ट बताओ, ये दो चीजें बतानी है। देखते हैं किसके जवाब पहले आते हैं। रिएजेंट के फंक्शन को ध्यान में रखते हुए आपके जवाब आने चाहिए। देखो मॉलिक्यूल कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, भयानक हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन ऑफ रिएजेंट हमेशा सेम रहेगा। देखो आया कोई जवाब PCl5 तो आपको मैंने बताया नहीं है ना, उसको छोड़ दो, ये तो मैंने क्लास 12th में बताया था, ठीक है ना, छोड़ दो उसको। PCl5 अभी आप ना करो, उसकी जगह भी कुछ नहीं, आप सीधा एक ही रिएक्शन सॉल्व करके दिखा दो, क्योंकि क्या है ना कि 11th और 12th दोनों में ऑर्गेनिक हो रही है और दोनों में एक जैसी चीजें हो रही है, तो PCl5 तो मैंने आपसे अगली क्लास में बताया था, आपको नहीं बताया, आप उसको छोड़ दो। आप उसके अलावा पहले में बताओ क्या बनेगा। अगर व्हाट्सएप नहीं है तो डायरेक्ट मुझे बता दो कि क्या रिमूव हो रहा है। प्रांजल, दिस विल बी विनाइल बेंजीन, CH डबल बॉन्ड CH2 ना, विनाइल ग्रुप होता है, यह उस कंपाउंड का एक कॉमन नेम और होता है, उसे स्टायरीन भी कहते हैं, स्टायरीन। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कौशल का जवाब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। तो ट्वाइस NUH CAO, इसको अगर डायरेक्ट सीक्वेंस में करना हो तो जैसे मैंने ऊपर बता रखा है कि ये क्या करता है, CO2 को बाहर निकालता है, और साइड प्रोडक्ट या तो दो स्टेप में सॉल्व करो, यह साइड प्रोडक्ट ये हमने लिख दिए Na2CO3 बाहर गया, वाटर बाहर गया, तो बी प्रोडक्ट आपका होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये बेंजीन रिंग, इसको आप विनाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, और इसका जो फेमस नेम है वो है स्टायरीन। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि स्टायरीन बना के बताओ, बच्चों को कई बार फार्मूला नहीं पता होता, उनसे गड़बड़ी हो जाती है। मधुर जवाब सही है, और एक और जवाब आया है मनस्वी का, मनस्वी आपका जवाब भी ठीक है। तो इस तरह से ना प्रभु, ठीक है, विनाइल बेंजीन इज द राइट वन। भावना का जवाब भी आया, भावना ने भी यही जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है। चलो ये अब हम मान लेते हैं कि भाई आपने डी कार्बोक्सिलेशन को समझ लिया, उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया, कार्बन का नंबर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इस पॉइंट को अच्छे से जान लिया। हमारी अगली रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन में है, इसे कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। देखो अगर बुक में इस रिएक्शन को देखते हैं ना, तो ये रिएक्शन मुश्किल लगती है, लेकिन मैंने वीडियो लेक्चर में आपको जो इसका मेथड जो बताया था वो आपके लिए सबसे आसान मेथड था। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, साथ में वाटर लेते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, डाई कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, और सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी। मैं आपको अभी किसी भी तरह के डाउट में नहीं डालना चाहूंगा कि सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, क्या है, उस सभी डाउट्स को छोड़ दो। बस ये ध्यान रखो कि इस रिएक्शन में कम से कम दो COOH ग्रुप की जरूरत पड़ती है, कम से कम दो COOH यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की जरूरत पड़ती है। जैसे देखो ये मैंने लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड, अपने आप ही मैं दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिडर करूंगा अपने आप ही। एग्जामिनर पता है आपको क्या देंगे, एग्जामिनर ये देंगे कि भाई ये है, आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हेन एसिटिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर,
या इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज ट्रीटेड विद वॉटर, अब इस बात को अपने आप कैसे समझोगे? अगर ये वॉटर और इलेक्ट्रिसिटी आती है तो दो CUH होने चाहिए, आपके इस मॉलिक्यूल में एक ही CUH है, तो आप दूसरा मॉलिक्यूल भी साथ में लोगे, क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट ही दो की है, अकेले की एंट्री स्ट्रैग एंट्री अलाउड नहीं है, तो दो मॉलिक्यूल तो लिए जाएंगे, दो वॉटर यहां पर लिए जाएंगे, दो वॉटर, और फिर आप लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है और ये रिएक्शन 12th में भी है, 11th में भी है। अब इसकी स्प्लिटिंग याद करना, लर्न करना। पहले यहां से H2 बाहर जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं कि भाई H2 बाहर आ गया। फिर यहां से देखो आप बड़े अच्छे, अच्छा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं सोडियम सॉल्ट लिया जाएगा, बट इसको करेक्ट कर लेना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये करेक्शन कर लेना कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर लिया जाता है। अब मैंने बताया दो CONA ग्रुप होने चाहिए, दो कार्बोक्सिलेट ग्रुप होने चाहिए, दो वॉटर, H2O बाहर गया, यहां से NaOH बाहर गया, यहां से NaOH बाहर गया, सो आई कैन अंडरस्टैंड दो NaOH यहां से बाहर गए और फिर यहां से CO2 और यहां से CO2, दो CO2 बाहर चले गए, सो वी कैन से CO2 का रिमूवल है, तो इसे डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। जहां से बॉन्ड टूटे वहां पर बॉन्ड बनेंगे, CH3 का बॉन्ड टूटा तो CH3 में बॉन्ड बनेगा और इस तरह से ये इथेन हमारे पास फॉर्म होगा, ये इथेन यहां पर बनेगा। तो बड़े ध्यान से इस बात को समझ लेना कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपने यहां पर इस्तेमाल करना है, इस बात को समझना। अब जरा इस रिएक्शन को करो, अच्छा सोडियम सॉल्ट हो या पोटेशियम सॉल्ट हो एक ही बात है, दोनों में से कोई भी। अब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ, इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड या पोटेशियम प्रोपेनोइड इसे कहा जाएगा, यहां इसका प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है कि क्या बनेगा। जल्दी से ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है उसको देखो और यहां बनाओ क्या आपका प्रोडक्ट बनता है, वैलेंसी ठीक रहे, प्रेफरेबली मैं यही कहूंगा कि बॉन्ड सही जगह पे लगाना, अगर आपने लिखा है तो बेशक से इमेज भेजो, बॉन्ड सही जगह पे लगाना, उसमें एरर नहीं होनी चाहिए। मधुर का जवाब ठीक, प्रभु का सही, मनस्वी भूवी करेक्ट, अब बस ये देख लेना बॉन्ड ठीक हो। हार्दिक नो बेटा, हार्दिक आंसर इज नॉट करेक्ट। और रीवा का जवाब बिल्कुल ठीक है, हाँ बॉन्ड भी ठीक है, तेजस बिल्कुल ठीक है बेटा, प्रभु H2 एक ही H2 का मॉलिक्यूल जाएगा, हाँ ठीक है हार्दिक, ये जवाब ठीक है आपका, करेक्ट आंसर। प्रांजल नहीं बेटा ये नहीं, ये तो आपने इथेन बना दिया प्रांजल, इथेन नहीं बनेगा इसमें, ध्यान से दो मॉलिक्यूल लेने हैं, अपने आप ही दो मॉलिक्यूल कंसीडर करो फिर जवाब दोगे आप, ध्यान रखो। कौशल का जवाब ठीक है और छवि ने भी जवाब भेजा वो भी बिल्कुल सही है, प्रांजल ठीक करो बेटा। अब यहां पर दो मॉलिक्यूल लेके तो प्रोडक्ट, ये मनस्वी का जवाब आया करेक्ट है मेरे पास, और भावना का भी जवाब आया है, भावना बेटा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। दो मॉलिक्यूल आपने लिए, इनको ऐसे लिखा, एक और मॉलिक्यूल लिया, अच्छा और व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, एक बार में देखो, ठीक है स्वामिता का जवाब है और ये भी करेक्ट है, दो वॉटर HOH इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने शुरू में कहा कि दो ग्रुप चाहिए, अब एक हमारा H2 बाहर जाएगा, KOH बाहर जाएगा, KOH ध्यान से यहां पे पोटेशियम, KOH बाहर जाएगा
और फिर CO2 CO2, तो जो पहले बाहर गया है उसको लिख दें, H2 गया, twice KOH गया, twice CO2 गया, और जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं पर बनता है, और इस प्रोडक्ट का नाम है ब्यूटेन। ये ब्यूटेन यहां पर बनेगा। नम्या का सही जवाब है, प्रांजल ने अब ठीक दे दिया, ठीक है जवाब। तो इस तरह से आपने यहां ब्यूटेन बनाना है, ब्यूटेन आपका प्रोडक्ट बनेगा, इस बात को समझने की जरूरत होगी, अंडरस्टैंड अच्छे से करना। चलो इसमें एक दो एग्जांपल और करना है, अभी और देखते हैं क्या होगा। अच्छा जरा ये मैं एक रिएक्शन देता हूं, ठीक है बच्चा, देखते हैं कौन कौन बच्चा सही जवाब देता है। इस रिएक्शन में मैंने लिखा ट्वाइस NaOH, ठीक है, और फिर मैंने लिखा H2O electricity। अब देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब तक पहुंच पाता है। आपने ये रिएक्शन में मुझे बी प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। जो बच्चे व्हाट्सएप पे जवाब दे रहे हैं वो पूरी रिएक्शन को लिखेंगे, और जो डायरेक्ट चैट में जवाब दे रहे हैं वो मुझे बी प्रोडक्ट का नाम बताएंगे कि बी प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा। अब ये आप देखो, NaOH का फंक्शन भी आप जानते हो, NaOH CO का फंक्शन भी जानते हो, ध्यान रखना twice NaOH CO उसका अलग काम है, और सिर्फ NaOH उसका अलग काम है। तेजस नो बेटा, करेक्शन करो, इसमें लिख के देखो, इथेन नहीं है आपका आंसर, उसको चेक करो, नाम सही होना चाहिए उसमें, करो ट्राई, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं। उस सब आज जब इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी ना, अभी मैंने हाइड्रोकार्बन की कोई रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की है, वैसे आप जब आए हो ना, आप अगर आपने उस वक्त से किया है तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी, क्योंकि जब तक ये नेट का इशू है हमारी कोशिश ये है कि रिकॉर्डिंग को अपलोड भी करते रहें, क्योंकि नेट तो एक हफ्ता, आई थिंक एक हफ्ता हो गया नेट की अवेलेबिलिटी पे, कमाल हो गया वैसे तो। मधुर नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। रीवा नो, नहीं, वैलेंसी पूरी नहीं है। देखो आपने जो कंपाउंड लिखा है ना, उसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, कार्बन के चार बॉन्ड होने चाहिए वो पूरे नहीं है। आप मॉलिक्यूल को कैसे भी मोड़ तोड़ के लिख सकते हो, देखो ये आपको छूट दी जाती है, कैसे भी मोड़ तोड़ के लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तक मेरे पास आंसर, चलो कौशल का जवाब आया, कौशल नहीं बेटा ये जवाब नहीं है। हार्दिक लिख के देखा है, चलो जरा मुझे एक बार इमेज आप व्हाट्सएप करो, ब्यूटेन 1,4-डाइयोइक एसिड तो मैंने दिया है आपको हार्दिक, है ना, आप मुझे प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट क्या बनता है, मेन बात प्रोडक्ट की है। वही है ना कि अगर हम छोटे छोटे खिलौने से खेलते रहेंगे तो कहां पहुंचेंगे, थोड़ा सा टेक्निकली भी साउंड होना पड़ेगा ना। अच्छा देखो, सिर्फ NaOH का क्या फंक्शन है, मैं हेल्प करता हूं, ठीक है, मैं अब ना, क्योंकि टाइम भी हो रहा है ना। तेजस नो बेटा, उत्सव नो, अभी तक कमाल हो गया, एक भी करेक्ट आंसर नहीं है। ओके 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 हार्दिक, मनस्वी का पहला जवाब आया, करेक्ट आया, मनस्वी का जवाब करेक्ट है। देखो जरा अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभी मैंने ऊपर आपको सिर्फ एक NaOH का फंक्शन क्या बताया था, देखो ये देखो ध्यान से, अगर NaOH के साथ CaO है तो बनता है डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट, लेकिन अगर सिर्फ NaOH है तो सिर्फ NaOH क्या करता है, HOH बाहर निकालता है। अब वही काम यहां होगा, मैं इस रिएक्शन को अलग अलग स्टेप में करता हूं, देखना, एक NaOH, दूसरा NaOH, ठीक है ना, सिर्फ NaOH है, HOH बाहर, एसिड और बेस बाहर जाएगा, सोडियम यहां आएगा, ऐसे ही यहां से HOH बाहर जाएगा और सोडियम यहां आएगा। तो देखो मैं इस मॉलिक्यूल को ना मोड़ के लिख देता हूं, क्योंकि जगह कम है ना, CH2 CH2
CONA, CONA, पहले इस बात को पचा लो कि जो मैंने यहां लिखा है, मेरे पास ये दो CH2, ये दो मैंने यहां लिख दिए, ये CONA हो जाएगा, ये CONA यहां आ गया, यहां CONA हो जाएगा, ये यहां आ गया। तो पहले तो इस बात को पचा लो कि ये जो मैंने चेंज किया तो कैसे किया, NaOH का फंक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटाएगा और उसकी जगह पे Na लगाएगा, सोडियम सॉल्ट बन गए आपके पास। अब इस पे H2O इलेक्ट्रिसिटी, मैं इसको अलग स्टेप में करता हूं। अब देखो ये है आपके पास और इसके ऊपर H2O इलेक्ट्रिसिटी। ना रिमेंबर, अभी अभी मैंने ये कहा था कि इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है आपके पास दो CONA ग्रुप होने चाहिए, दो। अगर दो CONA नहीं है तो दो मॉलिक्यूल लेते हैं। यहां पर ऑलरेडी इस मॉलिक्यूल में दो COONA ग्रुप हैं, तो अलग मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है। सेम स्प्लिटिंग, H2O, H2 बाहर चला जाएगा, यहां से NaOH, यहां से NaOH, दो NaOH बाहर चले जाएंगे, यहां से CO2, यहां से CO2, दो CO2 बाहर जाएंगे, और जहां से बॉन्ड टूटेगा, यानी इस कार्बन का बॉन्ड टूटा और इस कार्बन का, जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं पर बॉन्ड बनता है, इथीन आपको मिलेगा, इथीन आपका प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, अब प्रांजल, भावना, सभी का जवाब ठीक आ रहा है, कौशल, प्रभु बिल्कुल ठीक है। वो ये ना कि एक बार एक पॉइंट मालूम पड़ जाए कि भाई ये रिएक्शन ऐसी होती है। अच्छा, आपने अब इस रिएक्शन को देख लिया ना, अभी दोबारा कभी आएगी ना तो आपसे गलती होगी ही नहीं, आप इस रिएक्शन को बहुत आसानी से फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करते जाओगे, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क के लिए कन्वर्ट नंबर वन बेंजोइक एसिड, कल मुझे नेक्स्ट